जैसे आप अपने ब्राउज़र में www.youtube.com सर्च करते हो, आपका ब्राउज़र इस डोमेन नेम को DNS के हेल्प से IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपके डिवाइस में गूगल के सर्वर से डाटा ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि आप तक ISPs पहुंचाते हैं। तो इंटरनेट के इन्वेंशन के पीछे की स्टोरी और इंटरनेट पर आपका डाटा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाता है, तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियस विंग, वी आर हियर टू गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट इंटरनेट। सो इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, मतलब इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जिसे ना कोई सिंगल अथॉरिटी ओन करती है और ना ही कोई इसे कंट्रोल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्ल्ड के सभी डिवाइसेस और कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्टेड रखता है। तो क्या आप जानते हैं, जब USA और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तब USA के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर इंटरनेट को इन्वेंट कर रहे थे, सो दैट इवन इफ सोवियत यूनियन USA पर न्यूक्लियर अटैक करता भी है, तब भी USA का कम्युनिकेशन एक दूसरे से डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट का इन्वेंशन कब हुआ था। इंटरनेट का इन्वेंशन 1960s में ही शुरू हो गया था, और उस समय इंटरनेट को ARPANET बोला जाता था, विच स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट का इन्वेंशन किसी इंडिविजुअल इंसान ने नहीं किया था, रादर देन नंबर ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर इंटरनेट को इन्वेंट कर रहे थे। और इस इन्वेंशन के प्रोसेस में जिन लोगों ने मेजर रोल प्ले किया था वो है पॉल बैरन, लॉरेंस रॉबर्ट, टिम बर्नर्स-ली। तो ये तो हो गई हमारे इंटरनेट के इन्वेंशन की स्टोरी। तो चलिए अब देखते हैं हाउ डज इंटरनेट वर्क। जैसे हम ब्राउज़र पर किसी डोमेन नेम को सर्च करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र इस डोमेन नेम को DNS के हेल्प से IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। IP एड्रेस को समझना बहुत ईजी है। जैसे हम सभी के घर का एड्रेस एक दूसरे से अलग होता है, वैसे वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और वेबसाइट के सर्वर से ओवरऑल सभी डिवाइसेस का IP एड्रेस एक दूसरे से यूनिक होता है। अब आपके मन में डाउट होगा, ये DNS क्या है? DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। आखिर ये ब्राउज़र DNS का हेल्प लेता ही क्यों है? हम डायरेक्टली किसी वेबसाइट का IP एड्रेस सर्च कर देते। देखिए, किसी एक वेबसाइट का IP एड्रेस याद रखना बहुत ईजी है, पर लेकिन अगर आप इन सब वेबसाइट को इनके IP एड्रेस से याद रखोगे तो ये हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है इन्हें याद रखना। इसलिए DNS का मेन रोल यही रहता है कि हमारे डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। DNS को या तो हमारे ISPs या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। अब ये ISPs क्या है? ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम तक इंटरनेट सर्विस पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, सच एस Airtel, Jio एंड सो ऑन। तो जैसे हम इस डोमेन नेम को ब्राउज़र पर सर्च करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र इस डोमेन नेम को DNS के हेल्प से IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। फिर ब्राउज़र उस वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो कि किसी डाटा सेंटर के SSD में स्टोर्ड रहते हैं। फिर सर्वर आपके डिवाइस में डाटा सेंड करता है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि आपके राउटर से कनेक्टेड रहता है, और आपका राउटर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्टेड रहता है थ्रू एथरनेट केबल। और यहाँ पर दो केबल का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सर्वर से आपके डिवाइस में डाटा सेंड होता है, सो थ्रू सर्वर टू राउटर वो डाटा लाइट पल्सेस के फॉर्म में आते हैं, और राउटर में पहुँचते ही वो लाइट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक डाउट जो हम सबके मन में होगा, कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ना तो कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल है और ना ही कोई एथरनेट केबल है, तो हमारे फ़ोन में इंटरनेट कैसे आता है? तो इस केस में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं, वो हमारे सेल टावर से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे फ़ोन्स में डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इस प्रोसेस से ये तो पता चलता है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है थ्रू सी, मतलब वो पानी के नीचे से पूरे वर्ल्ड वाइड सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट रखी है। तो चलिए इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक इमेज को सर्च किया, वो इमेज अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर आप तक पहुंचता है, बट वो इमेज अपने डाटा सेंटर में कुछ इस फॉर्म में होता है, जो कि आप तक छोटे छोटे पार्ट्स में आता है, और उन छोटे पार्ट्स को हम पैकेट्स बोलते हैं। और उस पैकेट्स में उसका सीक्वेंस नंबर, जिस सर्वर से आ रहा है उसका IP एड्रेस, और जिस डिवाइस में उसे जाना है उसका IP एड्रेस, सब उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। फिर वो सारे पैकेट्स हमारे फ़ोन तक पहुंचते हैं, फिर से रीअसेंबल होते हैं, और ये पूरा प्रोसेस इतना एफिशिएंटली होता है कि विद इन अ सेकेंड ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और जो इंस्टीट्यूशन इस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंटली मैनेज करती है, उसका नाम है ICANN। ICANN स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ICANN एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉस एंजलिस में लोकेटेड है। ICANN का मेन फंक्शन है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप लेवल डोमेन है वो रजिस्ट्रीज को असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल .com, .org या फिर एट्सेट्रा।
फिर रजिस्ट्रीज उन टॉप लेवल डोमेन को रजिस्ट्रार्स को असाइन करती है। रजिस्ट्रार्स मतलब वेब होस्टिंग वेंडर सच एस ब्लू होस्ट, domain.com, godaddy.com, etc. फिर रजिस्ट्रार्स इन डोमेन नेम को हम कस्टमर्स को सेल करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई नो आज की वीडियो में थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए, पर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हो तो आपके इंटरनेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस टॉपिक को हमें हमारे व्यूअर ने इंस्टाग्राम पर सजेस्ट किया था। अगर आपके मन में कोई क्यूरियस टॉपिक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम के DM से भी बता सकते हो। तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। कमेंट करना मत भूलना सो दैट वी कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी।